हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हैप्पी? यस। तो बच्चों, आज का वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। बच्चों, आज मैं ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी देर सोच रहा था कि कोई वीडियो एक ऐसा बनाया जाए जो आपको डायरेक्ट समझाया जाए। तो बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो स्पेशल आप लोगों के लिए है। वैसे बच्चों के लिए जो ड्राइंग करने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में ले जाते हैं, और जब वो ड्राइंग बनाते हैं तो उनका ड्राइंग गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे चीजों की आवश्यकता होती है हमें ड्राइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले, जब आप ड्राइंग चाहे वो कॉपी पर बना रहे हो चाहे किसी बड़े पेज पर बना रहे हो, आपको इस बात का बिल्कुल स्मरण रहे कि आपको उसके चारों ओर एक अच्छा सा बॉर्डर देना है। पहले तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे स्केल और HB पेंसिल, इससे आप बॉर्डर देंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको किसी भी ब्लैक मार्कर, ब्लैक स्केच पेन से फिर आउटलाइन कर सकते हैं। आउटलाइन करने के बाद बिल्कुल भी यह बात का भी स्मरण रहे कि आप लोगों को जो भी ड्राइंग बनाना है वो एकदम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना है। तीसरी बात, आपको ये बात भी ध्यान रहे कि अगर आप कोई भी ड्राइंग चाहे वह ऑयल पेस्टल से बनाने जा रहे हैं तो ऑयल पेस्टल से बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। आप जिस पेज स्केच को बनाया है आपने पेंसिल से बनाया है तो आपको स्केच पेन से उसको आउटलाइन कर लेना होगा, और स्केच पेन से आउटलाइन कर लेने के बाद आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। अन्यथा आप जो पेंटिंग बनाएंगे उसमें पेंसिल का जो ब्लैकनेस है वो साथ में आने लगेगा और आपकी अच्छी खासी पेंटिंग बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, अब दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। जब पेंसिल कलर से किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं तो इस बात का उस वक्त भी ध्यान रहे कि पेंसिल से जो मैंने स्केच किया है उसे पेन से आउटलाइन कर लूं और फिर इरेजर से उसको उस पेंसिल वाले दाग को मिटा दूं। साथ जब आप उसको मिटा देते हैं तो आपके जो पेज है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और आप उसके बाद बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी ड्राइंग को इस पेंसिल कलर से बना सकते हैं। पेंसिल कलर के अलावा अगर आप चाहें तो सेम टेक्निक से क्रेयॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मेथड हम लोग वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर का के वर्क के साथ में भी करते हैं। तो पोस्टर कलर का या फिर वाटर कलर का जब हम वर्क करते हैं तो उस वर्क का हम लोग क्या करते हैं कि जो पेंसिल से हम लोगों ने बनाया है कोई भी ड्राइंग को उसको बेहतर तरीके से पेन से आउटलाइन कर लेना है, और आउटलाइन करने के बाद हम लोगों को पेंसिल का जो भी वर्क होगा जो हमने पहले किया है उसे डस्टी रेजर से मिटा देना है, और उसके बाद फिर हम कलरिंग करेंगे। उसके बाद जब हम कलर करेंगे तो यहां एक बात और ख्याल रखना है कि जब भी हम कलर करते हैं पोस्टर कलर से वाटर कलर से, ख्याल रहे कि लाइट कलर का प्रयोग पहले करें। बच्चे कभी कभी आप लोगों ने देख बच्चों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो डीप कलर का चारा पहले इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट होते हैं तो उनके लिए डीप कलर को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होता, पर बच्चों आप लोग तो उतने एक्सपीरियंस हो नहीं तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भरा समय हो सकता है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप लाइट कलर से स्लोली 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 डीप कलर की ओर जाएं। जैसे कि आप अपने सबसे पहले इस्तेमाल किया व्हाइट कलर का, फिर आपने इस्तेमाल किया येलो कलर का, फिर येलो कलर के बाद आप उससे डीप पे जैसे जाइए ऑरेंज में जाइए, पर्पल में जाइए, फिर इस प्रकार से आप जो आपको समझ में आया वैसे वैसे कलर को बदलते जाइए और आप फिर अपना वीडियोस बना सकते हैं। तो आप अपनी सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं, और जब आप ऐसे पेंटिंग्स को बनाइएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
अपने मित्रों को दोस्तों को बताइए मेरे इस चैनल के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। आप जितने लाइक करेंगे मैं आपके लिए उतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना बना करके देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।